गोला गतनी समाचार विक्रमगंज से बा रिपोर्टर बानी राजू रंजन दुबे जी। खबर के हेडलाइन सुनी, दीपावली पर्व के लेके बाजार में छावे लागल रौनक, चाइनीज पड़ाका चाइनीज हालर से पटी गई दुकान। खबर का बा, खबर विक्रमगंज रोहतास से बटुए, जहां एक तरफ सरकार के नुमाइंदा कहता लोग कि चाइनीज सामान के बहिष्कार करी, देसी निर्मित सामान के ली ही, लेकिन वही दूसरा तरफ दीपावली पर्व नजदीक आवते बाजार सजे लागल बा। बाजार में चहल पहल बढ़ी गई बा, चाइनीज हालर से पूरा बाजार पटी गई बा। इलेक्ट्रॉनिक सामान के दाम में बढ़ोतरी भइला से एकरा बिक्री पे कोनो खास असर नहीं है पड़ल, एकरा बाद भी ग्राहक पहुँच रहल बड़न। दिवाली के लेके कुहार के मिट्टी के दिया ढीबरी के स्टॉक करे शुरू कर दिले बा लोग, लेकिन ई लोग अपन दर्द बयान करता। यह दिया ढीबरी के जगह पर चाइनीज हालर आ चाइनीज सामान ले लेले बा। महापर्व आवते अभी से लोग खरीदारी के तैयारी में जुट गए बड़न। बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दुकान सहित बाइक दुकान में खरीदार जुटे लागल बड़न। धनतेरस के मौका पे बाइक खरीदे खातिर अभी से कितना लोग बुकिंग शुरू कर दिले बा। अनेक बाइक रूम के संचालक कहलन कि बाइक के एडवांस बुकिंग शुरू हो गई बा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बा, जहाँ सरकार चाइना से जब युद्ध होता तो अंदर खाने खेला चलता कि चाइनीज सामान के बहिष्कार करी, लेकिन खुल के सरकार ये कह नहीं खे पावत कि चाइनीज सामान के आयात निर्यात पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। एकरा बावजूद चाइनीज सामान के बाजार में झड़ी लागल बा। चाइनीज सामान यानी यूज एंड थ्रो, लिखो फेको कलम छोट रही जा तो हमनी के कीनत रही जा, उहो चाइनीजे रहे। अब बताई भाला, जवन सामान लिखो फेको बा एकरा बावजूद भी ई बाजार में बिकता तो हमनी खातिर दुर्भाग्यपूर्ण बा। भोजपुरिया समाचार निहोरा करी कि यह दिवाली में रौरा सभे कुहार के बनल दिया ढकनी आ ढीबरी जरूर बारब, काहे से कि यह से एगो हमनी के भारत के कुहार भाई लोग के कुछ तो काम चली। भोजपुरिया समाचार लाइक सब्सक्राइब करी।